वो लोग जो अपने साल की इब्तिदा जिक्र अहले बैत से करते हैं, जाहिर में ये जिक्र गम है लेकिन रूहानी और मानवी एतबार से और ज्यारत आइम्मा पाकिस्तान की जो अक्सरियत अहले सुन्नत की आबादी है जिसे बरेलवी मकतब कहते हैं वो कायल है, वो तवस्सुल के भी कायल हैं और ज़ियारत कबूर अम्बिया आइम्मा के भी कायल हैं और ये हकीकत है। इस हवाले से शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं है इस ज़ियारत कबूर के हवाले से, लेकिन फिर भी कहूँगा कि ये जो ज़ियारत का कल्चर और ज़ियारत की मानवीयत मकतब अहले बैत में अहले बैत इस्मत व तहारत ने हमें अता की, इसका तसव्वुर सिवाय मकतब अहले बैत के किसी और जगह में ऐसा तसव्वुर ही नहीं। क्यों नहीं? चूंकि वो अहले बैत इस्मत व तहारत हूं या सरकार दो आलम की जात हो बतवज्जो, उनकी निस्बत उनमें अमूमन एक अकीदत है, उनकी अकीदत का ये तकाजा है और वो इन कबूर पे जाकर इज्जत और एहतराम के साथ इन हस्तियों को सलाम करना और खुसूसन सरकारे दो आलम के हुजूर वो अदब और एहतराम से पेश आना और उनकी कब्र पे हाजिरी देना, अगरचे उनके नज़दीक ये बहुत बड़ी सआदत है लेकिन मादरा चाहता हूं इस सआदत के बावजूद मकतबे अहले बैत के सिवा किसी और में ज़ियारत की वो अहदाफ और ज़ियारत के वो मकासिद जो ज़ियारत में पोशीदा है वो अहले बैत के मकतब के अलावा किसी और में मतरा ही नहीं, चूंकि वो अहले बैत इस्मत और तहारत को इस उनवान से कबूल ही नहीं करते। काश मेरी बात पहुंचे, किस उनवान से? हम अहले बैत इस्मत और तहारत की सिर्फ इज्जत और एहतराम और मकाम और मर्तबा के कायल नहीं। आपको याद होगा 2 साल पहले पूरा आशरा था, हम अहले बैत इस्मत और तहारत के लिए किस शय के कायल हैं? वो जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने अर्ज किया था हम बादत मुस्तफा आले मुस्तफा को उम्मते मुस्तफा में उसी तरह मानते हैं जिस तरह मुस्तफा को उम्मत में मानते हैं। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे, जुमला बदल देता हूं, जिस तरह सरकारे दो आलम उम्मत की हिदायत का फरीजा इलाही रखते थे और उस फरीजा इलाही को बाउनवाने नबी और रसूल उन्होंने अदा किया है, उस फर्ज पर अमल किया है, उस फरीजा इलाही को कामिल और अकमल दुनिया तक दीन की शक्ल में इकमाल दीन की शक्ल में पहुंचाया है, सरकारे तो आलम के बाद वही फरीजा हिदायत जो सैयदुल अंबिया की शक्ल में था, हमारा ऐलान भी है ईमान भी है, हम सरकारे दो आलम पर खत्मे नबूवत और रिसालत के कायल हैं लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में खत्मे हिदायत के कायल नहीं है, हम खत्मे रिसालत के कायल हैं। हमारे अकीदे में सरकारे दो आलम के बाद कोई भी किसी माना में भी नबी नहीं हो सकता, रसूल नहीं हो सकता, और अगर कोई नबी और रसूल होने का दावा करे हमारी नजर में वो झूठा है, मुर्तद है, दीन से खारिज है। हम खत्मे नबुव्वत और रिसालत के कायल हैं लेकिन सरकारे दो आलम के फरामीन की रोशनी में सरकारे दो आलम के बाद तसलसले हिदायत के भी कायल हैं और उसी तसलसल हिदायत का नाम इमामत है। एक सलवा पढ़िए बुलंद आवाज, जज़ाकल्लाह। ये बुनियादी नुक्ते नजर जो हम रखते हैं कि ये हिदायत की का जो तसलसल है
ज़ियारत मुस्तफ़ा, ये आले मुस्तफ़ा में है। चले एक जुमला और दोहरा दूँ माजरत के साथ, अगर आप इस तकरार पे माजरत कबूल करें। मैं ये जुमला कह चुका हूँ कि हम सरकार दो आलम के बाद अहले बैत रसूल को उम्मत रसूल में क्या मानते हैं। एक जुमले में समेटूं, अहले बैत इस्मत व तहारत यानी मुहाफिज़े पयाम रिसालत। नहीं, और जुमला बदल देता हूं, अहले बैत इस्मत व तहारत यानी मकसद बिकसत के मुहाफिज। कैसे? जैसे सरकार पर दीन आया है, उस दीन को उसी शक्ल में बचाने वाली हस्तियों का नाम आले मुस्तफा है। ये है सरकार दो आलम के बाद इन हस्तियों को मानने का फलसफा, और यही मकतब अहले बैत के पैरोकार दावा भी रखते हैं, अकीदा भी रखते हैं। हमारी किसी से जिद नहीं है, हमारी किसी से अदावत नहीं है बिला वजह, हमें किसी से सरोकार भी नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए तवज्जो रहे, इसलिए कि अहले बैत इस्मत व तहारत को मानने के बाद हमें किसी और को मानने की एहतियाज ही नहीं है। काश मेरी बात पहुंचे, एहतियाज ही नहीं है। देखें, ये मुझे तशनगी महसूस हुई ना तो मैंने बच्चे से पानी मांगा, लिया है ना, ये प्यास थी ना, ये एहतियाज थी, तो एहतियाज थी तो मांगा ना। लो, सरकार दो आलम ने अहले बैत की शक्ल में हमें ऐसा कामिल हिदायत का निजाम दिया है कि हमें किसी और की एहतियाज ही नहीं है। जब एहतियाज ही नहीं है तो फिर सरोकार भी नहीं है। सलवात पर ये बुलंद आवाज है, जज़ाकअल्लाह। आप मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। चले ये अव्वले मजलिस में थोड़ा सा इस हवाले से, चूँकि ज़ियारत वारसा और उसमें भी ये पहलू नुमाया होंगे, जब ज़ियारत वारसा के चंद इक्तबासात और वो सलाम अर्ज करूँगा, लेकिन जो जुमला कह रहा हूँ कि ज़ियारत की जो फलसफा या ज़ियारत की जो मानवियत गहराई और गिराई मकतब अहले बैत में है, अहले बैत की नस्बत वो दूसरों में क्यों राइज ना हो सकी, चूँकि वो अहले बैत की निस्बत इस तरह कायल ना हो सके, कायल ना हो सके। हम चूँकि अहले बैत इस्मत व तहारत की निस्बत इस बात के कायल हैं और इस हकीकत के कायल हैं, और ये खुद साख्ता कोई हकीकत नहीं है, ये खुद साख्ता कोई हकीकत नहीं है, ये हकीकत मुस्तफ़ा ने हमें बताई सुनाई, सिर्फ हमें नहीं पूरी उम्मत को बताई, और घर में नहीं बताई। मैंने अभी ईद गदीर पे जहां भी ये सआदत हासिल हुई तो दो जुमले कहे हैं कि ज़िलहज्जा के 6 दिनों में 18 और 24 एक हफ्ते में दो अजीम मुनासबतें हैं, एक ईद गदीर और एक ईद मुबाहला। अच्छा, ये ईद गदीर और ईद मुबाहला का आसान मानों में तर्जुमा क्या है? गदीर में क्या हुआ? विसायत का ऐलान, खिलाफत का ऐलान, सरकार की विरासत का ऐलान, यही हुआ है ना। यानी अमीर उल मोमिनीन को बाउनवाने वसी रसूल, वारिस रसूल, खलीफा रसूल सरकार दो आलम ने ऐलान किया। इसलिए कह रहा हूं गदीर विसायत हो, विरासत हो, खिलाफत का ऐलान है, और मुबाहला सदाकत का ऐलान है। लो, सरकार ने दोनों मसले मैदान में हल किए हैं, घर में रखे ही नहीं, शायद बात जल्दी में कह गया। खिलाफत का ऐलान भी मदीने में नहीं किया, मस्जिद नबवी में नहीं किया, बल्कि मैदान में किया, और सदाकत का ऐलान भी घर में नहीं किया, मैदान में किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए मैदान के सच्चे कौन है। ऐसा ही है ना, चले इस हवाले से ये एक
जुमले मोतरजा समझ लें तो अहले बैत इस्मत व तहारत की निस्बत हमारा जो अकीदा जो नुक्ता नज़र है ये वारस मकसद बेअसत मुस्तफ़ा है, ये तसलसल हिदायत में वो मकाम रखते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अता किया। अब आए इसलिए जब हम इनकी ज़ियारात को जाते हैं तो हमारे अकीदे का जुज है कि हम इनके हुजूर जब जाएंगे तो उनके हुजूर जाने के बाद हमें फिर ये अकीदा दिया गया है कि उनके हुजूर आने के बाद सिर्फ ये ना समझना कि यहां आए हो और दुआ करके चले गए, बल्कि जिनके हुजूर आए हो ये जिंदगी और बादल मौत जो जिंदगी है इनकी उस जिंदगी से ये जिंदगी बरतर भी है, बेहतर भी है, वसी भी है। काश मेरी बात हो जाए। इसीलिए हम इस जियारत को सिर्फ इबादत नहीं समझते। काश मेरा जुमला पहुंचे। हम जियारत आइमा मासूमीन को सिर्फ हुसूल सवाब का जरिया ही नहीं समझते बल्कि हुसूल मारफत का तंग समझते हैं। उसूल मारिफत का एक दर है जो हम पे खुलता है और अइमा मासूमीन अब आए इसकी अजमतों का इदराक और एहसास उस वक्त हो जाता है कि जब हम अइमा की रिवायात की तरफ नजर करते हैं तो वो रिवायात जैसे अकायद पर मुश्तमिल है, मारिफ पर मुश्तमिल है, हकायक पर मुश्तमिल है, अहकाम पर मुश्तमिल है, अखलाकियात पे मुश्तमिल है और ये कोई मामूली पहलू नहीं। जिन आइम्मा ने हमें मारफ दीन पहुंचाए, अकायद दीन बताए, अहकाम दीन की तोजी हो तफसीर की, कुरान मजीद के हकायक और आयात के दुरुस्त मानी बताए और रासखून फिल इल्म होने के एतबार से कुरान मजीद की हकीकी तावील और तफसीर की, वही अहले बैत इस्मत व तहारत अपने पैरोकारों को ज़ियारात की शक्ल में तालीम देते हुए नजर आते हैं। ज़ियारत तालीम देते हुए, ज़ियारत यानी तुमने ज़ियारत कैसे पढ़नी है, जब इमाम के हुजूर जाना है तो उन्हें खिताब कैसे करना है, यह मामूली मसला है। इसका माना इमाम इस जाने को सिर्फ एक सफर नहीं समझ रहे और अपने पैरोकारों को यह मारिफत अता करना चाहते हैं कि इसे एक सफर आदि ना समझो, यह दूसरे लफ्जों में आलम जुल्मात से आलम नूर की तरफ सफर है। हाय हाय हाय, यह अल्लाह की विलायत की तरफ सफर है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, तो मैं कह सकता हूं इस ज़ुलमात मादी से उस आलम रूहानियत की तरफ मारिफत के साथ सफर का नाम ज़ियारत है, मारिफत के साथ। तो इसीलिए अक्सर यह जुमला दोहराता हूं, इन आइमा की तरफ सफर इन कदमों से बाद में सर करें, अपनी मारिफत के साथ पहले सर करें। और इंशाअल्लाह ये अर्ज करूंगा, लेकिन अगर आप आइमा मासूमीन में, अब ये जो हैरान कुन बात है वो ये है कि आइमा मासूमीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन में हम ज़ियारात को जब देखते हैं तो हजरत सैयदुश्शोहदा हजरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी निस्बत हमें ज़ियारात की वादी में ऐसी ज़ियारात जो अइमा से मंसूबे नजर आती हैं, इंसान हैरान है। असल बात ज़ियारात और फिर उन ज़ियारात पे ताकीद कि कब पढ़ो कहां पढ़ो, आपने तवज्जो फरमाई। मसलन रोजे ईद
खुशी का दिन है। कहा गया ज़ियारत हुसैन पर, ज़ियारत इमाम, मखसूस ज़ियारत। आप रोज़े अरफा है, मखसूस ज़ियारत, ऐसा है या नहीं? अरबईन मखसूस ज़ियारत अरबईन, आशूरा मखसूस ज़ियारत आशूरा, और फिर ज़ियारत वारसा। इन ज़ियारात को अगर पढ़ा जाए, और इन ज़ियारात में भी ज़ियारत वारसा अगर आप इसके अल्फाज पे गौर फरमाएं, तो वल्लाह दो चीज़ें हमें समझाई गई, एक मकाम हुसैन और दूसरा पयाम हुसैन। एक ही ज़ियारत में दोनों चीज़ें जमा हैं, और इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा दोनों चीज़ें जमा हैं। इसी ज़ियारत वारसा में, जिसका नाम ही ज़ियारत वारसा है, और इसमें चंद विरासतें जिक्र हो गई हैं, और उन विरासतों का वारिस हुसैन इब्ने अली को करार दिया गया। अल्लाह हू अकबर। मैंने अर्ज किया कि ज़ियारत और फिर कबूरे आइमा पे जाना, आज गुफ्तगू को समेटते हुए चंद जुमले अर्ज करूंगा, और कल इस सिलसिले को लेके आगे बढ़ूंगा। दो दावे मैंने किए, एक ज़ियारत कबूरे सरकार दो आलम और ज़ियारत कबूरे आइमा, ऐसे ही, और दूसरा हयात बादल मौत। इन दोनों का ताल्लुक है, ज़ियारत वारसा मौजू है, लेकिन ज़ियारत से मरबूत जो शुबहात हैं, चाहता हूँ चंद जुमलों में उनके हवाले से भी इन दो दिनों में जिक्र हो जाए, और फिर साथ साथ वो ज़ियारत वारसा का भी जिक्र होता रहे और उसकी कुछ तफसीलात आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये है मौजू जो ज़हनी तौर पर मैंने सोचा है। खुदावंद मुतआल बेहक्के सैयदुल शुहदा तौफीक दे तो इस पर कुछ अर्ज करेंगे। जाके ज़ियारात पढ़ते हैं तो एक मुसलमानों में साजिश के तहत एक ऐसा मसलक, एक मकतब पैदा कर दिया गया और उसे प्रमोट किया गया, जिसका ये नारा है कि इन हस्तियों की कबूर पे जाना, बाज ने कहा शिर्क है, बाज ने कहा हराम है, और तरह तरह के फतवे लगाए। लेकिन जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ तवज्जो करते हैं, तवज्जो फरमाइए, आज ये आए मजीदा तो इसका तर्जुमा ही आप तक पहुँच जाए। आया, चले सवाल इस तरह पैदा कर रहा हूँ, आया सरकारे दो आलम के पास और आपको से तवसुल करना, वसीला बनाना अल्लाह के कुर्ब के लिए या अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, आया ये शिर्क है? ये है सवाल। आइए कुरान से इसका जवाब, कुरान मजीद फुरकान हमीद से इसका जवाब। इरशादे परवरदिगार आलमीन हो रहा है, वलौ अन्नहुम, सूरह निसा आया नंबर 64, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका, खुदावंद मुताल फरमा रहे हैं, वलौ अन्नहुम, और अगर अन्नहुम उन लोगों ने, इशारा है सरकार दो आलम के पास मौजूद लोगों की तरफ, तवज्जो फरमाई, वलौ अन्नहुम इस ज़लमू, और अगर जब उन लोगों ने इस ज़लमू जुल्म किया, अनफुसहुम अपनी जानों पर, जाऊ का तो आपके पास आते। मेरी बात पे तवज्जो हुई है? मैं इसको बामुहावरा करता हूं, खुदा फरमा रहा है ऐ मेरा हबीब, ये लोग यानी तेरे उम्मती जब इनसे गुनाह सरजद हो गया, इस ज़लमू अनफुसहुम, जब इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, किनाया है गुनाह से, गुनाह क्या है? इंसान का अपनी जान पे जुल्म, नहीं तवज्जो, गुनाह अपने आप पे जुल्म है, किसी और पे नहीं, नहीं, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह का नुकसान नहीं, खुदा की नाफरमानी से इंसानों का नुकसान है। और लफ्ज बड़ा खूबसूरत है ज़लमू, चले और वजाहत अर्ज कर दूं, आप सजदा शुक्र में सर रख कर
मुस्तहब है। इन्नी जलम तो नफसी फाफिर, जलम तो नफ, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। और अफा और उलमा कहती है क्या इसमें मानवीयत है, खुदा बंदे से कह रहा है क्या बंदे मैंने तुझे गुनाहगार पैदा नहीं किया। जुल्म क्या होता है, अपने साथ वो कर रहे हो। जुल्म की तारीफ क्या है, जुल्म कहते ही उसे है कि जो जिसका महल नहीं है उसे वहां रख दिया जाए। शायद जल्दी में बात कह गए, जो जिसका महल नहीं है उसे वहां रख दिया जाए, यही जुल्म है। आप बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं उलमाए आदम से कि जिसका जो महल नहीं यानी वो उसका अहल नहीं, किसी न अहल को अहल की जगह पे बिठाना ये जुल्म है। आए, 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 आए। या आए। किसी न अहल को अहल की जगह पर बिठाना ये जुल्म है। और उधर भी जुल्म है, किसी अहल को अहल की जगह से हटा देना यह भी जुल्म है। डॉक्टर शरीती का बड़ा प्यारा जुमला है, कहते हैं जिन्होंने मौला अली को हटाया उन्होंने अली पर भी जुल्म किया, और उन इंसानों पर भी जुल्म किया जिनके लिए अली इमाम बनाया गया। काश मेरी बात पहुंचे। वो फरमाते हैं इसलिए ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं अल्लाहुम्म लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक मुहम्मद व आल मुहम्मद। खुदाया अव्वल से आखिर तक एक ही शुमार करना। जो है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम, अब तर्जुमा आसान हो गया। खुदा फरमा रहा है मेरा हबीब जब इन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म किया तो क्या करें, जुल्म किया गुनाह किया नाफरमानी की, करें क्या, जाऊ का आपके हुजूर आए। माशाल्लाह चीता दोस्त होते हैं, पढ़ा लिखा मजमा तवज्जो फरमाएंगे। ये जो गुनाह है नाफरमानी तो खुदा की है ना, वे गुनाह खुदा की नाफरमानी है। और खुदा कह रहे हैं मुस्तफा के दर पे जाओ, नाफरमानी उसकी खुदा की, और वो खुदा कह रहे हैं दर मुस्तफा पे जाओ। नहीं, और जुमले की मानवीयत से आप लुफानंदोज होंगे। लो वो कह रहा है मुस्तफा के दर पे जाओ जो शहर रग से भी करीब है। वाजिब है, उसकी जात मुहित है, कहार है, ये तयशुदा बात है। वो हर शय से ज्यादा उस शय पे तसल्लुत रखता है, तो कुर्ब रखता है। वो जात जो शय रग से भी करीब, वो जात कह रही है मुस्तफा के दर पे जाए, उसकी वजाहत क्या है। खुदा ने फरमाया मैं इसलिए कह रहा हूं मुस्तफा के दर पे जाओ कि तुमने किया है गुनाह, गुनाह है मेरी नाफरमानी, और गुनाह का नतीजा है मुझसे दूरी। कहा मैं करीब हूं हर किसी से, तकवीनन तुम दूर हो गए हो मुझसे गुनाह करके। किससे दूर हुए, अल्लाह से दूरी का माना क्या है, तो अल्लाह की रहमत से दूर हुए हो। बहुत बड़ा जुमला है, अल्लाह की रहमत से दूर हुए हो। अल्लाह कहता मेरा कुर्ब चाहते हो तो इसीलिए तो मुस्तफा के पास भेज रहा हूं। आए हाय हाय, चूंकि मेरी रहमत का कुर्ब चाहिए तो उसी के दर पे भेज रहा हूं जो आलमीन के लिए रहमत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या
متوجہ ہیں انشاءاللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ, اور اگر یہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, گناہ کیا, اے حبیب اس ظلم کرنے کے بعد آپ کے حضور آتے. اور وضاحت اس جملے کی کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. خدایا تو قریب ہے, تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ, تو تو دور ہوتا ہی نہیں. کہا اسی لیے کہا مصطفیٰ کے پاس جاؤ. کیوں؟ اس کے پاس بھیج رہا ہوں جو میری رحمت سے دور ہوتا ہی نہیں, جو کبھی مجھ سے دور ہوتا ہی نہیں. توجہ, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا آپ کے حضور آئیں. روایت نہیں پڑھ رہا, آیت پڑھ رہا, کلام خدا پڑھ رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے جاؤوکا, کا واحد ہے, خطاب ہے, آپ کے حضور آتے, آپ کے مصطفیٰ. اچھا بس آگے مسئلہ حل نہ. فاستغفر اللہ, یہ آپ کے حضور آئیں اور اللہ سے استغفار کریں, مجھ خدا سے. فاستغفر, یہ فاستغفر میں جو تا ہے نا, تا اس کا ایک معنی ہے, وہ ہے طلب, طلب کرنا. کیا معنی؟ یہ اللہ سے توبہ, مغفرت طلب کریں. تو بھائی آیت کا جو اگر میں معنی عمومی یعنی بات کو وضاحت کروں تو آپ اس بات کی تائید فرمائیں گے, جب گنہگار سرکار کے حضور آئے گا تو کیا وہ گنہگار پوری اپنی انا اور تکبر کے ساتھ آئے گا؟ ماشاءاللہ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, چونکہ گناہگار ہے. اب سرکار کے حضور آ کے عاجزی سے آئے گا, انکساری سے آئے گا, چونکہ اپنے گناہ پر اترائے گا تو نہیں. اگر اتراتا تو آتا کیوں؟ تو اس کا معنی مصطفیٰ کے حضور عاجزی سے جانا, یہ تقاضۂ خدا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے, سرکار کے حضور عاجزی سے جانا یہ پروردگار چاہتا ہے. اچھا حضور سرکار کے پہنچ گئے, سید الانبیاء کے, بتول کے بابا کے, حسنین کے نانا کے حضور پہنچ گئے. فاستغفر اللہ, تو جب گناہگار آئے گا بلا تشبیہ آ کر آپ کے سامنے ادب و احترام سے خدا سے طلب مغفرت کرے گا تو سرکار سامنے ہوں گے نا, چونکہ آیت تو یہی بتا رہی ہے سرکار سامنے ہیں اور یہ طلب مغفرت خدا سے کر رہا ہے. بھائی کیا کہنے, خدا کہتا ہے گناہ کیا ہے مجھے بتاؤ, اب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے حضور جاؤ اور ان کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرو. یعنی نہیں, جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, عظمت سرکار بتانے کے لیے کہ خدا کو مصطفیٰ پہ اتنا اعتماد ہے کہ یہ کسی گناہگار کا راز فاش نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے, میری بات کو توجہ ہوئی ہے؟ ہاں, اس لیے کہا مصطفیٰ کے رت کرے لہوم, ان گناہگاروں کے لیے کون کرے؟ سرکار دو عالم. تو بلا تشبیہ سرکار گناہگار کے لیے جب توبہ طلب کریں گے تو یوں ہی کریں گے نا, اے میرے پروردگار تو اس گناہگار کو بخش دے, ایسے کہیں گے نا کہ اللہم اغفر ہو, اللہم اغفر ہو, اے اللہ اس گناہگار کو بخش دے, یہی کہیں گے نا. لو بات تو ایسے ہی ہے نا,
इधर है गुनाहगार, उधर है खुदा। इधर है गुनाहगार खताकार, उधर है खुदा, और दरमियान में है मुसलमान। नहीं, मैंने ऐसे ही तो नहीं कहा। दरमियान से मुराद अब जो दोनों के, गुनाहगार के और खुदा के दरमियान वसीला बन रहा है और अपनी मर्जी से नहीं बन रहा। खुदा कह रहा है मुस्तफा तू इन गुनाहगारों के लिए जब तेरे हुजूर आए, मैंने जुमला जल्दी में कह दिया, उनके लिए मगफरत करना जो तेरे हुजूर आए, उन्हीं के लिए करना जो आए। अब ये गुनाहगार जो अपने गुनाह का एतराफ करते हुए आ गया, ऐ रसूल आप इस गुनाहगार के लिए तलब करें मगफरत मुझसे, इसके लिए लो। अब आप सबसे भी सवाल है, तमाम उलमाए आलाम से सवाल है, ये जो तलब मगफरत सरकार ने गुनाहगार के हक में करना है, ये अल्लाह को पसंद है या नहीं? पसंद है। तो इसका फायदा गुनाहगार को है या नहीं? फायदा है। तो ये फायदा उसने बताया ना, तो ये दरमियान में मुस्तफा को, दरमियान लफ्ज बार बार कह रहा हूं, इसी का उर्दू में तर्जुमा वसीला है ना। तो अगर वसीला बनाना शिर्क होता तो वो वसीले के बाद ये ना कहता कि जैसे ही मुस्तफा इनके लिए तलब मगफरत करें, तो क्या खुदा कहता है ये मुझे पाएंगे तौबा कबूल करने वाला और रहमान और रहीम। खुदा ने कहा है तौबा कबूल करने वाला पाएंगे जैसे ही मुस्तफा वसीला बन के ये कहे कि इस गुनाहगार को बख्श दे, बख्श दे। तो ये वसीला हमने नहीं बनाया। लो, जो बंदे और खुदा के दरमियान बंदों को खुदा से मिलाए उसे ही हम वसीला कहते हैं। तवज्जो है मेरी बात पे? या चले, आप मुतवज्जे हो गए और आये मजीदा का सिर्फ तर्जुमा आप तक पहुंचाया, और इसी में ये माना पोशीदा है। अब मुमकिन है कोई आपसे कहे कि ये तो सरकार की जिंदगी से मरबूत है, आपके बाद क्यों जाएं? तो अब लफ्ज़े बाद से उन्होंने ये दलील निकालना चाहिए, क्या कहने लगे कि वो सरकारे दो आलम जब दुनिया से चले गए तो अब क्यों जाएं? चलो पहले ये तो तय करो कि जिंदगी में जाना शिर्क नहीं है। शायद जुमला जल्दी में कह रहे, ये तो तय करो कि अगर सरकार मौजूद हूं तो फिर सरकार के हुजूर जाके सरकार को वसीला बनाना शिर्क, पहले ये मानो। आप तो कहते थे कि गैरुल्लाह को वसीला बनाना शिर्क है, और यहां कुरान कह रहा है कि मुस्तफा गुनाहगार के हक में अगर मगफरत करें तो अल्लाह इस वसीले को कबूल करता है। पता चला अल्लाह की नजर में यह वसीला शिर्क नहीं है। मैं तवज्जो रहे, पहले यह बताएं कि जिंदगी में सरकार के हुजूर जाना शिर्क नहीं। अब आए माशा
अपनी एहतियाज दूर करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए जिसके पास भी जा रहे हैं। अच्छा, आप एक दोस्त को कॉल की, उसने कहा कल आ जाना। वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं मैं, किसी का जहन में रख के नहीं, कॉल की कल आ जाना। दूसरे दिन आप जाने लगे तो आपको ये फोन आ गया, वो दुनिया से चले गए, जाएंगे उस हाजत के लिए, जरूरत पूरी करने नहीं। और आज भी मुर्दा है, हम मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन पहले ये तय तो करो एक बात। दूसरी बात, माशाल्लाह मुतवज्जे है इसलिए अर्ज कर रहा हूं, दूसरी बात जो सरकार का मकाम व मर्तबा, बहुत अहम बात है, खुसूसी तवज्जो चल, जो सरकार का मकाम व मर्तबा खुदा के हुजूर है, खुदा के हुजूर जो मंजलत है, बताओ वो मंजलत सिर्फ 63 साल थी? अरे बात जल्दी में कह रही है भाई, सरकार की मंजलत खुदा के हुजूर सिर्फ तब तक थी जब तक वो जिंदा थे। आज अल्लाह की नजर में उनकी कोई मंजलत नहीं। जो ये कहे उसने न मुस्तफा को माना है न पहचाना। आज मेरी बात पहुंचे भाई, क्या उनकी मंजिलत सिर्फ उनकी जिंदगी, और वो भी ये जिंदगी जो जिसमें उंसुरी में है, इस तक महदूद थी? यानी उनका मकाम जो खुदा के हां है, वो आप कहें कि 63 साल था उसके बाद खत्म? चलें मैं एक अवामी दलील देता हूं, अवामी दलील जो आपने बीस्तर औकात सुनी है भाई। अगर कोई ये कहे ना कि उनका 63 साल मकाम था, तो फिर उससे पूछना कलमा पढ़ो और तर्जुमा करो, ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, कहना तर्जुमा करो मुहम्मद अल्लाह के रसूल। अगर हैं तो जो रिसालत के मकाम हैं वो आज भी है। जज़ाकअल्लाह, सलामत रहे। एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ो, तो पहले यह तय किया जाए कि सरकार के तमाम मकामात कब तक थे। फाइल की फेलियत में कोई नक्स नहीं, लेकिन इधर जिस पे फेल अंजाम देना है उसकी ज़रफ़ियत होनी चाहिए। आसान लफ्जों में उलमा फरमाते हैं, लेने वाले में अगर ज़रफ़ियत है और देने वाला लताफत है, वो कल जिक्र करूंगा, ताकि इतना तो आप में तजस्सुस रखूंगा कि कल आ सके, तवज्जो फरमाएंगे, इतना तजस्सुस का हक तो है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सोचते रहे तहकीक अल्लाह, फिर मलाइका मुस्तफा पे, अलन नबी, ये अलन नबी में जो अलिफ लाम है इंशाल्लाह उसकी नज़ाकत भी बताऊंगा, और फिर रिवायात से इस्तफादा करके कि हयात रसूल और आले रसूल का मकाम क्या है। तो आज गुफ्तगू को यहां समेटते हैं, जियारत वारसा, किसकी जियारत? मेरे मौला हुसैन की। हुसैन वारस अंबिया, उसी विरासत को बचाने के लिए नाना का शहर छोड़ा।
यकम मुहर्रम हराम 1445 हिजरी का दिन गुरूब हो रहा है, गुरूब हो रहा है। कल शब चांद नजर आया, सब दोस्त अक्सर चेहरों को जानता हूं, एक दूसरे को मैसेज करते रहे इन्ना लिल्लाह। ऐसे ही मैंने कल शब चांद का जिक्र किया तो आप रोने लगे। माजरा चाहता हूं, ये जुमले सिर्फ बात पहुंचाने के लिए कह रहा हूं। अजीजो कल शब 1445 हिजरी कमरी का ये मुहर्रम का चांद था। वाकया करबला कब हुआ? 61 हिजरी। तो 1445 में से 61 निकाल दो तो अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1380 साल गुजर गए। ऐसा ही है वाकया करबला, 1380 साल के बाद शब आपको पता चला मुहर्रम हो गया, मुहर्रम का चांद नजर आ गया, तो आपका गिरिया, आपके आंसू शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। यार हाथ जोड़ के हर साल जुमला अर्ज करता हूं, बताएं ना अगर 1380 साल बाद हुसैन के मानने वाले की ये हालत है तो बताएं जब 61 हिजरी के बाद जैनब ने ये चांद देखा हो। जुमला बदल दूं, जुमला बदल दूं, मेरी माए बहने भी मौजूद हैं, खवातीन भी मौजूद हैं, जुमला तब्दील कर दूं, सोचता हूं इस चांद को रुबाब ने कैसे देखा, सोचता हूं इस चांद को अकबर की मां ने कैसे देखा, इस चांद को हजरत उम्मे फरवा ने कैसे देखा होगा, हां कमरे बनी हाशम की बहनों ने कैसे देखा होगा। भाई अगर 1380 साल बाद मेरी और आपकी ये हालत है तो मेरा दिल कहता है हर बीवी ने चांद पे नजर की होगी और एक जुमला कहा होगा 62 हिजरी के चांद तू तो नजर आ गया, हमारे चांद करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे। बस आज 2 जुमले ही कहूंगा, इंशाल्लाह मुसाहिब का सिलसिला तो बढ़ता रहेगा। आपको मेरी एक रवश का अंदाजा है कि जैसे जैसे अय्याम अज़ा आगे बढ़ेंगे मुसाहिब ज्यादा कर दूंगा। पहले 5 दिनों में कोशिश करता हूँ फजाइल और अपने मौजू को समेट लूँ, लेकिन एक जुमला कहता हूँ। मदीने के लोग कहते हैं कि 11 महीनों का चांद ढूंढना पड़ता था, लेकिन 1 महीना है जिसका चांद हमें ढूंढना नहीं पड़ता। एक घर से गिरिए की सदाएं आती अजरकुम मिन अल्लाह। रयान इब्ने शबीब इमामे हश्तुम का सहाबी है, कहते हैं जब इमाम और इमाम से शरफ मुलाकात चाहा, इमाम के हुजूर पहुंचा, देखा इमाम स्याह पोश है, मैंने कहा जबना रसूल कहते मैं शर्मिंदा हुआ, अर्ज की अपना रसूलुल्लाह आपसे मिलने का इश्तियाक इतना था कि मैंने तवज्जो नहीं की, कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हुसैन का गिरिया करना, यहीं रहना और कोई ऐसा काम ना करना जो इस तकाज़े गम के खिलाफ हो। अगला जुमला सुनेंगे, और कहा मेरे जद हुसैन को ऐसे रोना जैसे मां अपने जवान बेटे के लाशे पे रोती,
कहते हैं इमाम ने जुमला फिर दोहराया, कहा रैयान अगर तुझे गिरिया करना हो तो मेरे जद हुसैन पे करना। इस घर में बड़े मजलूम हैं लेकिन रोना तो हुसैन पे रोना। मैंने कहा मौला आप इतना ताकीदन क्यों कह रहे हैं? कहते इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जद हुसैन पे रोना सुबहा कमा सुबहा लताबाजी। मेरा दादा हुसैन कत्ल नहीं हुए सिबा हुए। बस इस जुमले की वजाहत और आपकी जहमत खत्म। जवादी अमली फरमाते हैं ईमान के इस जुमले में मजलूमियत हुसैन है। क्या कहते हैं? जब अरबी में गौर किया दो जुमले होते हैं, एक है मकतूल एक है मजबू, एक है ज़िबा करना एक है कत्ल करना। वो फरमाते हैं दोनों की लोग में आजमा